आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी बार यूएसबी पैनल और यूएसबी कार्ड की वायरिंग को लेके बहुत सारी गलतियां हमारे से हो जाती हैं, जैसे कि गलती से 12 वोल्ट दे देना, गलती से इसके वायर उल्टे लगा देना। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, आपका यूएसबी कार्ड या फिर यूएसबी पैनल ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए 5 वोल्ट की फिक्स 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। उससे कम आप दे दीजिए, 3 वोल्ट से भी ऑपरेट हो जाता है, लेकिन अगर 5 वोल्ट से थोड़ा सा ऊपर इसमें वोल्टेज आपकी चली जाए, समझ लीजिए ख़राब हो गया। और इसमें ख़राबी किसी चीज़ की आती है, मेन आईसी की, बाकी इसमें कुछ भी ख़राब नहीं होता, ज़्यादातर इसकी मेन आईसी की प्रॉब्लम्स में देखने के लिए मिलती है। इसकी रिपेयरिंग की वीडियो मैंने वैसे अपने चैनल पर डाली तो है, लेकिन आज आपको इस वीडियो में इस यूएसबी पैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटे कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो जो मैं यहाँ पर स्टेप्स बताऊँगा, सारे के सारे आपने फॉलो करने हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, लाइक और शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका एक छोटा सा जीनर डायोड। जीनर डायोड की वोल्टेज रहेगी 5 वोल्ट। जितने भी आप जेनर देखते हैं, सभी में उसका वैल्यू लिखा रहता है। जो 5 वोल्ट की आप जेनर परचेज करेंगे, उसका वोल्टेज रहेगा C5V। तो उसमें C5V, ठीक है, V बोले तो वोल्टेज उसमें लिखा रहेगा, तो उसको आप ज़रूर परचेज करना। तो मैं आपको, वैसे तो मैं 4 वोल्ट की आपको जेनर जो है, आपको हमेशा बोलूँगा कि 4 वोल्ट की ही जेनर लें। 5 वोल्ट की मतलब 5 वोल्ट की जो है आपकी थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट करती है, लेकिन आप 4 वोल्ट की लेंगे तो वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, काफ़ी सिंपल इसका मेथड रहेगा। अब सबसे पहले आपको मैं ये दोनों कार्ड को चेक करवा के दिखा देता हूँ कि ये ओके है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको प्रोटेक्शन मॉड्यूल इसका बना, सॉरी प्रोटेक्शन पूरा सर्किट बना के मैं दिखाऊंगा। चलिए पहले इस कार्ड को चेक करवा देता हूँ। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव को चला के दिखा देता हूँ। देखिए, बैटरी मैंने आपको बोला था ना, 3 वोल्ट से भी ऑपरेट हो जाता है, इस बैटरी से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरे वाले को ऑन करवा के दिखा देता हूँ। अगर इसकी रिपेयरिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल टेक्नोमीटर पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसका रिपेयरिंग का वीडियो डाला हुआ है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो वहाँ पर भी रोज़ हमारी वीडियोज आती हैं, आप देखिए और सीखिए। तो यहाँ पर चलिए ग्राउंड और पॉजिटिव यहाँ पर मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब होता क्या ना दोस्तों, ये जो है नॉर्मल ख़राब नहीं होते, कभी कभी क्या होता है ना, ओवर वोल्टेज जाने की वजह से ख़राब होते हैं। बस उसी का यहाँ पर मैं सर्किट बना के आपको बताऊँगा। सबसे पहले 3805 का रेगुलेटर है, जिसकी मदद से आप 12 वोल्ट से स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं 12 वोल्ट से, लगभग इसको 35 वोल्ट तक आप इनपुट दीजिए, आउटपुट आपको ये 5 वोल्ट फिक्स बना के देगा। उसके बाद आपने ये वाला जेनर डायोड इसके साथ लगाना होगा। तो इन दोनों को लगाने के बाद आपका ये सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर आपको 12 वोल्ट इसको दीजिए, फिर चाहे 24 वोल्ट दीजिए, 35 वोल्ट दीजिए, आपका डबल प्रोटेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। पहला प्रोटेक्शन इसका रेगुलेटर से होगा, दूसरा प्रोटेक्शन जेनर डायोड से होगा। किसी स्थिति में अगर आपका रेगुलेटर ख़राब हो जाता है और आउटपुट में डायरेक्ट 12 वोल्ट ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा दे देता है, अगर आप इनपुट दे रहे हैं 35 वोल्ट और आपका कभी कभी रेगुलेटर ओवरहीट होकर ख़राब हो जाता है, तो आपका जो आगे जेनर रहेगा वो सर्किट को आपके प्रोटेक्ट कर लेगा। बस इसमें मेन रोल आपका जेनर डायोड का ही है। अब चलिए वायरिंग आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले एक मार्कर से मैं आपको पूरा डायग्राम इसका बनाता हूँ, फिर अपने हाथ से इसकी वायरिंग करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, ये यूएसबी कार्ड आप मान के चलिए यूएसबी कार्ड है, और ये इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है इनपुट, ठीक है। मतलब ये 5 वोल्ट आप यहाँ पर इसमें देंगे तो ये कार्ड आपका ऑन हो जाएगा, मान के चलिए कार्ड है, ठीक है। मैंने कोई ऐसा चित्र वगैरह अच्छा तो नहीं बना रखा, फिर भी आपको समझाने के लिए पूरा कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका देखिए, चलिए 12 वोल्ट का हम सोर्स ले लेते हैं। ये 12 वोल्ट की आपकी बैटरी है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो बैटरी के दोनों टर्मिनल से यहाँ को आएगा। अब यहाँ पर लगेगा आपका एक रेगुलेटर, रेगुलेटर जो है आपको रेगुलेट करके 5 वोल्ट आउटपुट देगा, अगर 3805 का आप लेते हैं तो। तो यहाँ पर 78, देखिए आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, 78 वाले जो सीरीज के रहते हैं वो आपको जितना उसके आगे मिलेगा लिखा हुआ उतना ही रेगुलेट करके देते हैं। 3805 आपको 5 देगा, 3812 वोल्ट, 3809 वोल्ट देगा। तो यहाँ पर हमें 3805 रेगुलेटर का यूज़ करना है। तो ये 3805 है, इसमें 3 लेग हैं। अब पहली लेग देखिए, इसका पूरा कनेक्शन आप अच्छी तरीके से समझिए।
अब ये है आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट लेग में इसके पॉजिटिव जाएगा फर्स्ट लेग में। अब देखिए थोड़ा सा और मैं क्लोज करके दिखाऊँ तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट लेग में पॉजिटिव चला गया कितना 12 वोल्ट, मैक्सिमम 35 वोल्ट था, आप इसमें इनरूट कर सकते हैं। अगर उसे ज़्यादा करेंगे तो ओवरहीट होके ख़राब हो जाएगा। अगर 12 वोल्ट से आप ऊपर इसको दे रहे हैं तो तब आप क्या कीजिए, इसके पीछे एक हीट सिंक जरूर लगा दीजिए। हीट सिंक तो वैसे लगानी ही चाहिए आपको हमेशा, क्योंकि वो आपका इसको ठंडा होने में मदद करता है। अब दूसरा ये है देखिए, अब आउटपुट यहाँ से प्लस हो गया, ये यहाँ पर गया, तो ये इनपुट यहाँ पर, आउटपुट यहाँ से। अब आपने नेगेटिव कहाँ पे देना है, नेगेटिव यहाँ पे देना है और वहीं से एक नेगेटिव यहाँ पर ले देना है। सॉरी, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव का निशान है, चलिए तो बिना लिया आप। तो ये इसका पूरा डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब और एक मैच को थोड़ा और ऊपर रख लेता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए रेगुलेटर भी बना देता हूँ, ठीक है, ये रेगुलेटर भी मैंने बना दिया। इसकी 3 पिन ये है, इसका जो है 3805 नंबर का रेगुलेटर आपका है। तो ये तो आपका बन गया सिंपल सर्किट। अब इसमें जेनर डायोड को कैसे लगाएं? देखिए जेनर डायोड को लगाने के लिए आप इसके आउटपुट में, ये जो आउटपुट है, एक तो ये इनपुट आपका यहाँ से गया, देखिए पॉजिटिव आपका इनपुट ऐसे करेगा और ये फिक्स 5 वोल्ट बना के यहाँ से दे देगा, लेकिन ग्राउंड का अटैच होना दोनों का पिन का ज़रूरी है। तो बीच की जो पिन है ये इनपुट ग्राउंड भी रहेगी और आउटपुट भी यहीं से आपका जाएगा, किसके लिए, कार्ड के लिए। अब यहाँ पर बीच में आप जेनर डायोड को इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है, जेनर डायोड को आप इस तरीके से लगा लेंगे। थोड़ा सा जगह छोटी है इसलिए यहाँ पर डायग्राम उतना खास नहीं बन पा रहा है, तो इस तरीके से आप जेनर डायोड को लगा लेंगे। अब आप कहेंगे काफ़ी सारे लोग जो नए होते हैं ना उन्हें पता नहीं होता कि सिंबल किस तरीके, तो यहाँ पर सिंपल सी जेनर डायोड, ये देखिए ये जेनर डायोड है आपका, यहाँ पर आपकी ब्लैक पट्टी रहेगी और ये आपकी रेड पट्टी, ठीक है, ये देखिए ये ब्लैक पट्टी और ये रेड पट्टी। तो ब्लैक पट्टी आपकी ये है प्लस में लग जाएगी और ये जो आपका रेड पट्टी नेगेटिव में लग जाएगी। तो ये जो ब्लैक पट्टी है आपकी ये लग जाएगी यहाँ पर पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। तो सिंबल की बात करें तो सिंबल इस तरीके से इसका बनेगा। टोटल मिला के जब आप जेनर डायोड को उल्टा किसी सर्किट पर लगाते हैं तो एक एज ए रेगुलेटर वहाँ पर यूज करता है, तो कि इसका जो काम होता है वो रिवर्सेबल भी होता है। अब यहाँ पर चलिए शायद आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पास सेव करके रख लीजिए, इन फ्यूचर आपके काम में आ सकता है। अब चलिए यहाँ पर इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, फिर आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब लेकिन एक चीज़ और इसमें कर सकते हैं, जेनर से पहले आप एक 220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए इसको 5 वोल्ट में दूंगा चार्जर से। अब वो वाला जो मेथड बता दिया आपको स्टेप डाउन करके वोल्टेज रेगुलेटर से, वो तो आप जो है अपने हिसाब से दीजिएगा, वो आपकी हेडेक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसको हम क्या करें, तो इसको रखता हूँ मैं साइड पे। अब क्या करता हूँ, इसको चार्जर से 5 वोल्ट दूंगा, यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट अभी कुछ सोर्स तो है नहीं, चलिए एक चार्जर है मेरे पास वैसे 12 वोल्ट को उसी से दे देते हैं, आपको पूरा बना के ही बता देता हूँ। तो ये है मेरे पास 12 वोल्ट का चार्जर जिसका पॉजिटिव ये है और नेगेटिव हमारा ये वाला है। अब यहाँ पर इसको हम सबसे पहले तो इसकी वोल्टेज चेक करवाता हूँ आपको, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मानते नहीं हैं, बताना पड़ता है। तो 20 पे इसको सेट कर लिया है, चार्जर ऑन कर लिया मैंने और इसको पॉजिटिव में और इसको नेगेटिव में इस तरीके से रख लेता हूँ। तो वहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पर उल्टा दिखा रहा है। यहाँ पर इसकी प्रोब मैंने एम्पियर पे रख ली थी गलती से, अब यहाँ पर रख लिया है, सॉरी, ये रहेगा अपना कॉमन और ये रहेगा आपका वोल्टेज टेस्टिंग का। अब इसको चेक करा के दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ रही है, चलिए 12-12.5 के आसपास आ रही है, चार्जर है थोड़ा ज़्यादा दिखाई गई। अब इसकी कनेक्शन को कैसे करना है सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जो रेगुलेटर है इसके फर्स्ट पिन आपकी किस चीज़ की है, इसकी फर्स्ट पिन आपकी पॉजिटिव की है। पॉजिटिव क्या, 12 वोल्ट पॉजिटिव, 35 वोल्ट पॉजिटिव, आप 12 से ऊपर कितना भी देते हैं तो फर्स्ट पिन पे आप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है फर्स्ट पिन पर। और बीच का अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो ग्राउंड है उसको आप उठा लीजिए, ग्राउंड बोले तो ये है ग्राउंड, ठीक है। आउटपुट और इनपुट ग्राउंड एक ही पिन में कनेक्टेड होंगे, तो ये 12 वोल्ट की जो पिन से आपका ग्राउंड आया है वो और कार्ड का ग्राउंड आपका बीच वाली पिन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो बीच वाली पिन बोले तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, तो चलिए बीच वाली पिन पर इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने सोल्डिंग कर लिया है और ये जो है आपका ये कौन सा था, ये आपका
हाँ देख लिया, ये पॉजिटिव का ही है, कंफर्म आपने ज़रूर करना है दोस्तों, अगर गलत लग जाता है तो फिर आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव का ही है, कंफर्म हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। जैसे मैं इधर कनेक्ट करता हूँ और मैं चार्जर को चलिए ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस कार्ड को चेंज कर लिया, दूसरा यहाँ पर नया वाला कार्ड लगा लिया है। किसी कारणवश ये कार्ड नहीं चल पा रहा इस पर। अब देखिए यहाँ पर इसको तो कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ये तो यहाँ पर ऑन हो चुका है, ये वाला कार्ड तो यहाँ पर ऑन हो चुका है, और ये वाला कार्ड यहाँ पर नहीं चल रहा। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसको इस तरीके से मैं सोल्डरिंग कर ही लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये तो कार्ड आपका ऑन हो रहा है, वो वाला नहीं हो पा रहा। तो उस कार्ड की मैं टेस्टिंग करूँगा, अभी देखूँगा कि उस कार्ड में ख़राबी क्या है, वो तो मैं आपको बाद में अगली वीडियो में भी बता दूँगा। तो ये कार्ड देखिए यहाँ पर ऑन है, अभी हमें इसमें 5 वोल्ट आउटपुट मिल रही है। अब यहाँ पर इसको मैं इस कार्ड में एक बार कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव देख के ही हम कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव की लाइन है, तो पॉजिटिव वाला आपका जाएगा इधर। अब इसको एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस कार्ड को चेक किया, तो ये तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल सब कुछ ओके है, कार्ड भी ओके है, सप्लाई भी आपकी ओके है, यहाँ से हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिल रही है। अब सबसे पहले आपको 5 वोल्ट आउटपुट जो मिल रही है वही आपको चेक करवा के मैं दिखा देता हूँ। देखिए ग्राउंड पर ग्राउंड को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए फिक्स हमें 5 वोल्ट मिल रही है, थोड़ा सा कम है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम होने पर कोई दिक्कत नहीं होती। आपको बताया था मैंने 3 वोल्ट से भी ये ऑपरेट हो जाता है। अब यहाँ पर इनपुट आपको एक बार दिखा देता हूँ। इनपुट यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट यहाँ पर मिली है, और आउटपुट यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पर इस वोल्टेज से भी ये ऑन नहीं हो रहा, हो सकता है इस कार्ड में भी कुछ समस्या हो। एक बार फिर से एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे इसके पॉजिटिव में, इसका मतलब ये इसका पॉजिटिव रहेगा। अब इसको चला के एक बार देख लेते हैं, अभी तक तो नहीं चला था, एक बार फिर से इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं चल रहा है। अब इसको हम दूसरे कार्ड पे टेस्ट करेंगे, चलिए दूसरा कार्ड इसमें लगाते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड यहाँ पर चल रहा है। अब चलिए इसी कार्ड में ही हम वो प्रैक्टिकल करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसमें देखते हैं। ये भी 5 वोल्ट का सोर्स इसमें देखिए तो चल तो जाता है। अब इसमें क्या रिजल्ट मिलता है चलिए देखते हैं। 5 वोल्ट इसको देना है तो इस तरीके से, हाँ तो ये आपका चल रहा है। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें ख़राबी तो नहीं है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और बैटरी से चलाऊँगा अब मैं इसको। अब इसको मैं एक बैटरी की मदद से चलाऊँगा, तो इसमें जो पॉजिटिव है पॉजिटिव और ग्राउंड है ग्राउंड में वही कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव की पिन है और ये हमारी ग्राउंड की पिन है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ मतलब इसका कहीं कार्ड तो ख़राब नहीं हो गया, यही मुझे शंका हो रही है। तो बस इसको उल्टा करके देख लेते हैं, हो सकता है वायर भी गलत लगी हो। तो यहाँ पर एक कार्ड ख़राब है फिलहाल, तो हो सकता है ऐसा हो कि ये टच होकर अचानक से यहाँ पर टच हुआ हो। तो यहाँ पर मुझे हीट भी लगा, तो उसमें जब प्रैक्टिकल कर रहा था उस टाइम पर हमने जेनर भी यहाँ पर यूज़ नहीं करी थी। कभी कभी ऐसी प्रैक्टिकल में अचानक से कोई वायरिंग थोड़ा सा भी गलत होगी, समझ लो ख़राब हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये जेनर अब लगाएंगे, अब प्रोटेक्शन इसको देंगे हम। अब जेनर लगानी कहाँ पे को है, मैंने आपको बताया था ना जेनर कहाँ पे लगनी है। जेनर लगनी है यहाँ पर आउटपुट में लगनी है। आउटपुट में जेनर कहाँ पे लगाएंगे आप, देखिए ये जो आपका ब्लैक वाली पट्टी रहेगी वो आपका पॉजिटिव में और रेड वाली पट्टी आपकी नेगेटिव में। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, ब्लैक वाली पट्टी आपकी पॉजिटिव में और ये जो आपकी रेड पट्टी है वो नेगेटिव में, ठीक है, समझ गए आप। एनोड को नेगेटिव में, कैथोड को आप कहाँ पर पॉजिटिव में, ठीक है, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, आपको दूसरी भाषा में मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको अब हमने कनेक्ट करना है। तो चलिए आप इसको यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो अच्छी तरीके से प्रॉपरली ये वर्क करने लगेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन आप सर्किट में अच्छी तरीके से उसको होल्डिंग वगैरह करके ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक बार आउटपुट हमें कितना मिल रहा है सबसे पहले वही हम चेक करते हैं। तो आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट वोल्टेज इसकी चेक करेंगे, चलिए 20 पे रख लेते हैं ग्राउंड को, ग्राउंड पे, और ये वाला भी ग्राउंड का होता है, ठीक है, ये वाला आपका जो पार्ट है वो भी ग्राउंड का ही पार्ट है। पॉजिटिव में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिक्स हमें मिल रही है, कितना
4.98। अगर किसी कारण से आपका ये रेगुलेटर ख़राब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो आउटपुट में ये जो जेनर है आपका 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाने देगी। मान लीजिए 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा जाती है तो ये जेनर ख़राब होकर यहाँ पर एक एज ए जम्पर बन जाएगी और यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट कर देगी। तो यहाँ पर हो सकता है एक फ्यूज रेजिस्टेंस इस पर आप यूज कर सकते हैं, एक फ्यूज रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एक कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। फ्यूज रेजिस्टेंस ज़रूर इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर अब इसमें मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, वोल्टेज भी आपको चेक करवा दी और ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर आपको शायद ब्लिंक करते हुए दिख रहा होगा, वो असल में एक कैमरा इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ऐसा आप बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पर भी इसको चला देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए अब आपको फ्यूज रेजिस्टेंस का बता देता हूँ, आपने लगाना काफ़ी है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है जो कि फ्यूजेबल है, मेरे पास अभी फ्यूजेबल नहीं है, ये मेरे पास अभी कितने 200 ओम्स की है, तो आप कितने ओम्स की लगाएंगे बताएं? आप 10 से 20 ओम्स तक की फ्यूज रेजिस्टेंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए इस तरीके से, पॉजिटिव में सीरीज में इसको लगा लेंगे आप। जब आपका जेनर आपकी किसी कंडीशन में आपका जो रेगुलेटर ख़राब हो जाता है उस वक्त जेनर जंपर का काम करेगी, जेनर शॉर्ट हो गए यहाँ पर इस फ्यूज को बर्न कर देगी, आपका सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ पर वैसे मैंने ज़्यादा ओम्स की रेजिस्टेंस लगा के रखी हुई है, तो आप 10 ओम्स के ऊपर की रेजिस्टेंस बिल्कुल भी यूज ना करें, वरना फ्यूज तो उड़ेगा नहीं, बाकी और चीज़ ख़राब हो सकती है। तो कितना लेना है फ्यूज को? 10 ओम्स का फ्यूज रेजिस्टेंस, 10 ओम्स से ऊपर के नहीं लेना है, ठीक है? ये चीज़ मैंने 3-4 बार रटा दी ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो फिर से चला के दिखा देता हूँ, यहाँ पर चल रहा है। अब देखिए फिक्स वोल्टेज आपको अब मिल रही है और जेनर लगाने से पूरा यहाँ पर सर्किट प्रोटेक्ट आपका हो चुका है। वीडियो पसंद आई और सीखने के लिए मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।